कि जिसके हृदय सरिता से, जिसके हृदय सरिता से जब भी प्रेम का मृदु जल निकलता है, जिसके हृदय सरिता से जब भी प्रेम का मृदु जल निकलता है, हमारी मुसीबत की चट्टानों को तोड़कर यह प्रेम निकलता है। हमें शून्य से आदम बनाने में, आदम का मतलब होता है मनुष्य, हमें शून्य से आदम बनाने में जिसका पूरा जीवन निकलता है, टपकता है जब माँ के दर्द का एक आंसू तो मानो गंगा जल निकलता है। ये अगली एक शायरी है कि अपना अपना कहकर मन में बैर रखने वाले, अपना अपना कहकर मन में बैर रखने वाले दूर रहें, बीच राह में हाथ पकड़कर साथ छोड़ने वाले दूर रहें, अपना अपना कहकर मन में बैर रखने वाले दूर रहें, हाथ पकड़कर बीच राह में छोड़ने वाले दूर रहें। और ये दिल मेरा शीशे सा है, ये दिल मेरा शीशे सा है, हाथों में पत्थर लेकर घूमने वाले दूर रहें। नकाब पर नकाब है धुंध का, कि नकाब पर नकाब है धुंध का और हम इंसान बेनकाब देखना चाहते हैं। नकाब पर नकाब है धुंध का और हम इंसान बेनकाब देखना चाहते हैं, और जहर घोल रखा है हवाओं में और हम सांसें बेहिसाब लेना चाहते हैं। कि बारिशों में खिड़कियां खोल देना, कि बारिशों में खिड़कियां खोल देना, बूंद बनकर के आएंगे छूने तुझे, कि बारिशों में खिड़कियां खोल देना, बूंद बनकर के आएंगे छूने तुझे, दिए में रोशनी कम रखना, मिलने आएंगे हम तुझे। एक शेर है जो मैंने लिखा था कि मत छेड़ मुझे मेरा जमीर बड़ा खुदगर्ज है, कि मत छेड़ मुझे मेरा जमीर बड़ा खुदगर्ज है, और उपसंहार का क्या अंदाजा लगाओगे, मेरी तो प्रस्तावना भी खून से लिखी है। और एक शेर था कि मेरे हाथों की लकीरों में तेरा साथ नहीं, मेरे हाथों की लकीरों में तेरा साथ नहीं, और फिर भी खुदा ने मुझे तुझसे मिलाया है। मेरे हाथों की लकीरों में तेरा साथ नहीं, फिर भी खुदा ने मुझे तुझसे मिलाया है, और करामात कहें या करिश्मा, इन लकीरों ने तुम्हारे नाम का पहला अक्षर बनाया है। सॉरी, पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ा ऐसा हो रहा है। एक पोएट्री है कि जैसे जब हम किसी से इजहार करते हैं तो इजहार कैसे करते हैं, उस समय की एक सिचुएशन पे मैंने लिखा था कि गए थे अपने दिल की फरियाद सुनाने, कि गए थे अपने दिल की फरियाद सुनाने, और जबां खोली ही थी कि मिली मेरी आंखें उसकी आंखों से, और जबां मेरी लड़खड़ा गई। वो बोली कहिए हम ना कुछ कह सके ना कुछ सुन सके, वो बोली कहिए हम ना कुछ कह सके ना कुछ सुन सके, बस लबों से मुस्कुराते रहे, और ये मुस्कुराहट का रास तुम ही हो उसी से छुपा रहे। वो जाने लगी हम ना रोक सके ना कुछ कर सके, वो जाने लगी हम ना रोक सके ना कुछ कर सके, और बस आँखों से निहारते रहे, और बताने वाले बताते हैं इजहार करना, अब कौन बताए कि गुजरा हूँ हजार बार यहाँ से। एक पोएट्री लिखी थी कि तुम्हारी जिंदगी में रंगों को भरने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में रंगों को भरने के लिए कल रात आसमान में बादलों से मिला, मैंने बादलों को रुलाया है, हवाओं में थोड़ा सा इश्क मिलाया है, मिट्टी के हर एक कण को महकाया है, पक्षियों को मधु संगीत के लिए बुलाया है, यूं साजिश कर मैंने इंद्रधनुष को बनाया है, उनके सारे रंगों को मैंने तुझसे मिलाया है, यूं साजिश कर मैंने इंद्रधनुष को बनाया है, उनके सारे रंगों को मैंने तुझसे मिलाया है, हमारे तुम्हारे अफसाने को कितना रंगीन बनाया है, हमारे तुम्हारे अफसाने को कितना रंगीन बनाया है, तुम्हारे लिए मैंने अलग एक संसार बनाया है, और बिजली ने चमक कर खुदा को संदेश भिजवाया है, किसी ने एक स्वर्ग और बनाया है। कि मनुष्य और प्रभुत्व और उसकी उन्नति की ओर,
कुचले गए न जाने कितने और कितनों की निर्मम हत्या, फिर क्यों ना हो वो प्रकृति जिसने उसे जन्मा। न छोड़ना जल को, न छोड़ना वायु को, न मिट्टी के कण कण को, सींचना विष से, बनाना उसे बंजर और घोंपना उसके खंजर। और गुरूर भी इतना कि कौन करेगा इंसाफ, क्या है कोई गवाह, अपने नियमों का निर्माता माने बैठा भाग्य विधाता। भूल गया इतिहास जिसमें हुआ अहंकार, तय है उसका विनाश। सत्य और धर्म के लिए युगों युगों से होता आया न्याय, तो इस बार धरा की चौखट पे खड़ा है मानव। प्रकृति का इंसाफ होगा, मनुष्य की सांसों से ही हिसाब होगा। मत सोच बिना सबूत सजा होगी, गवाहों के मद्देनजर सजाए मौत होगी। न आँखों पर काला कपड़ा होगा, न कानों में मजबूरी वाला शब्द होगा। देख तुम्हारी मौत आई है, जमीन से उड़ती हुई धूल गवाही देने आई है, जमीन से उड़ती हुई धूल गवाही देने आई है। धन्यवाद।